सो हे वेलकम गाइस, मैं साहिल आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे चैनल द ट्विगी गाइस पे। और आज की वीडियो में जो है हम अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं किसी भी नए फ़ोन की। आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंडरी फ़ोन के बारे में जो कि एक टाइम पे सब लेना चाहते थे। तो हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की, कि आपको 2022 में ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कितने रुपये के अंदर लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। सो गाइस, 2022 में आपको S10 प्लस लेना है या नहीं लेना, ये टोटली आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको एक फ़ोन से क्या चाहिए। हाँ, बट मैं इस बात की गारंटी दे देता हूँ, अगर वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस समझ में आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि ये फ़ोन मेरे लिए है या नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये फ़ोन जो है हमें सही प्राइसिंग पे मिल जाए, क्योंकि नया ये शायद अब मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, तो आपको ये सेकंड हैंड देखना पड़ेगा। तो ये आपको 10,000 से 20,000 रुपये में आराम से ओलेक्स पे देखने को मिल जाएगा। बट आपको ये ट्राई करना है कि आपको 15,000 तक की रेंज में इसे ले लेना है, क्योंकि अगर आप कुछ टाइम चला कर इसे बेच भी देंगे तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो बात करें फ़ोन की, तो फ़ोन में जो है हमें कुछ डीमेरिट्स भी देखने को मिलेंगे, मेरिट्स भी देखने को मिलेंगे। डीमेरिट्स इसलिए क्योंकि ये जो है अब पुराना हो चुका है फ़ोन, 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, और मेरिट इसलिए ये अपने टाइम का फ्लैगशिप फ़ोन था, और आज भी कई मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपये के फ़ोनों में भी जो इसके अंदर फीचर है ना, वो अब भी नहीं आ रहे हैं कई फ़ोनों के अंदर। तो चलिए आपको जो है इसके बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें बताता हूँ। सो जो मुझे पहली इसकी सबसे अच्छी बात लगी, वो लगी मुझे इसका कैमरा, क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने वीवो V25 Pro की अनबॉक्सिंग की थी, जो इससे पहले की थी वो इसी मोबाइल से शूट की हुई है, और कहीं ना कहीं मैंने जो है उससे कैमरा कंपैरिजन भी इसका किया था। तो जो मैं इमेज कैप्चर कर रहा था ना, जैसे जूम कर रहे थे, तो इसके अंदर डिटेलिंग ज़्यादा थी उसके मुकाबले, जबकि इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, उसके अंदर 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, और फ्रंट कैमरा जो है इसका वो भी काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा सा बस जो है वाइट कम रहता है, लेकिन डिटेल काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। आपको मैंने कुछ शॉट्स दे रखे हैं। ये जो फोटो है इसके मेन कैमरा से ली गई है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें कैप्चर किए है फोटो, और जो ये है इसके वाइड एंगल लेंस से ली गई है जो कि काफ़ी वाइड है, एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसमें OIS भी है, तो इसकी वीडियो के स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं। बात करें इसकी जूम कैपेबिलिटी की, तो आप देख सकते हैं 3x तक तो इसके अंदर ऑप्टिकल जूम मिलता है, बट ये 10x तक जाता है, और देख सकते हैं कि तरीके से ये फ़ोटो कैप्चर करता है 10x पे। 10x पे भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ जाती है। नाइट में भी जो है ये पूरी डिटेल कैप्चर करने की कोशिश करता है, और काफ़ी अच्छे से फ़ोटो ले भी लेता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये फ़ोटो लेता है नाइट मोड में भी। और फ्रंट कैमरे की बात करें, तो इसके अंदर 2 फ्रंट कैमरा है, ये जो है इसके मेन सेंसर से ली गई है, और ये फ्रंट के वाइड एंगल से ली गई है, और दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है। और जो ये फ़ोन है ना, फ्रंट से भी 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और बैक से तो कर ही सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात बन जाती है। तो जो मुझे इसकी सेकंड चीज़ अच्छी लगी, वो लगी इसकी डिस्प्ले। एक तो इसकी जो है कर्व डिस्प्ले है जो कि लुक अच्छा देती है, और जो डिस्प्ले की क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। हाल ही में मैं जो है Realme X7 Max यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, बट मैं इससे कंपेयर करूँगा ना, तो इसकी डिस्प्ले जो है ज़्यादा क्लियर है। अगर जैसे मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ या यूट्यूब देखता हूँ, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है देखने के अंदर, जबकि इसके अंदर 60Hz का ही पैनल है, लेकिन काफ़ी मज़ा आता है, और स्क्रोल करने में भी ऐसा डिले या लैग दिखता नहीं, जबकि मैं 120Hz का जो है फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ ऐसा चेंज लगा नहीं इसकी ही डिस्प्ले में, बल्कि ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने में। इसके जो हैं ये कुछ वीडियो सैंपल हैं, ऑडियो सैंपल हैं। जो वीडियो क्वालिटी है वो तो मैं आपको बता ही चुका, काफ़ी अच्छी है, एंड ऑडियो भी जो है डुअल स्टीरियो स्पीकर इसके अंदर आता है डॉल्बी एटमॉस के साथ, तो काफ़ी क्लियर है साउंड भी एंड वीडियो क्लियरिटी भी। जो थर्ड इसकी चीज़ मुझे अच्छी लगी है, वो लगे हैं इसके लुक्स। अगर बाय द वे आपको ये 15 तक में मिल जाता है, तो 15,000 रुपये की रेंज में आपको कोई ऐसे लुक्स प्रोवाइड नहीं करवाता। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि आपको 30-40 हज़ार रुपये के फ़ोन में भी ऐसी बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। पीछे इसके अंदर ग्लास दे रखा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ, और आगे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 दे रखी है, मेटल फ्रेम है, मतलब जो लुक है ना वो काफ़ी प्रीमियम है इसका। और जो चौथी चीज़ मुझे इसके अंदर अच्छी लगी है, एक तो ये वाटरप्रूफ है, IP68 की इसके अंदर आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट यूज़ हुआ है वो अल्ट्रासोनिक वाला यूज़ हुआ है। अगर आपके हाथ में स्वेट या हर किसी गंदगी भी है ना, तो बहुत जल्दी जो है ये सेंस कर लेता है और ओपन कर लेता है। और पांचवी अच्छी चीज़ की बात करूँ, तो इसके अंदर जो आपको वाईफाई मिलता है वो काफ़ी अच्छे जो है सिग्नल कैच करता है, प्लस जो इसके अंदर नेटवर्क है, मतलब आप कोई भी सिम यूज़ करेंगे ना, तो सिग्नल अच्छे खासा आ जाता है, और नेट की स्पीड भी अच्छी खासी ये निकाल कर आपको दे देता है। बात करें इसकी कुछ डिमेरिट्स की,
तो पहला जो डीमेरिट मैं कहना चाहूँगा, बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड। इसके अंदर आपको 4100 mAh की जो है बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपको 4 साढ़े 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देती है और कभी कभी कम भी देती है। और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इसके अंदर आपको केवल 15 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। सेकेंड जो डीमेरिट मुझे इसका लगा है वो है प्रोसेसर। एक तो क्योंकि ये 5G प्रोसेसर नहीं है, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं ये हल्का सा हीट होता है अगर आप थोड़ी सी हैवी गेमिंग कर लेते हैं। हैवी गेमिंग का मीन्स कि अगर आप आधे आधे घंटे लगे रहते हैं तो हाँ ये हीट होता है और बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन करता है। तो प्रोसेसर स्पीड के मामले में तो जो है सही है। अगर आप 15-20 हज़ार रुपये के फ़ोन देखेंगे तो उनसे स्पीड में कंपेयर कर लेगा, एक तो 5G नहीं है और हल्का सा हीट होता है। बात करूँ इसके थर्ड डीमेरिट की, तो जो थर्ड डीमेरिट है वो मुझे लगा है इसका एंड्रॉयड अपडेट। सिक्योरिटी अपडेट तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको केवल एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको आगे कोई वर्जन एंड्रॉयड का देखने को नहीं मिलेगा। इसे डीमेरिट ही मान सकते हैं हम, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो आई होप जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अच्छाई और बुराई इस फ़ोन के बारे में, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 2022 में ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको एक डिसेंट कैमरा चाहिए, डिसेंट से अच्छा ही कैमरा कहेंगे, और एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए और एक अच्छे लुक चाहिए, तो ये फ़ोन आपके लिए है। लेकिन अगर आपको चाहिए हैवी गेमिंग, मतलब आपको हैवी गेमिंग करनी है और लेटेस्ट एंड्रॉयड चाहिए बिल्कुल, और 5G फ़ोन चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है फ़ोन। और सो गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए आगे और अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, राम राम।